चलिए अब आगे देखते हैं, अब कौन सा तरीका दिया है भाई। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर। होल नंबर को अगर डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो तब क्या करेंगे। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, कई तरह से इसने देखिए डिवीजन को शो कर दिया। डिवीजन डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना, मतलब उसके बाद होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना, मतलब कई तरह से इसमें बताया गया है, सिखाया गया है, हमें हर तरीका आना चाहिए। तो होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो फिर हम फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे। देखिए 6 को 0.2 से डिवाइड करना है तो 6 अपॉन 0.2 फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिए। अब डिनोमिनेटर में कितने पॉइंट हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो 10 से नीचे भी 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया 60 अपॉन 2, 1 डिजिट राइट चला गया, 2, 60 अपॉन 2 आ जाएगा आंसर 30। सही है। इसी तरह 36 डिवाइडेड बाई 0.45, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कर लें 36 अपॉन 0.45। अब देखिए डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लें इसकी तरह। अब यहाँ पे तो पॉइंट दिख नहीं रहा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600, और यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट राइट चल जाएगा यानी 5 के बाद, तो 45 आ गया। अब 36 को 100 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 80। देख रहे हैं, फ्रैक्शन वाले रूल से ही इसको भी डिवाइड करेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 0.2, अब 6 को डिवाइड करना 0.2 से, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमने नोट किया 6 अपॉन 0.2, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे, ये हो गया 60 और ये हो गया 2, डिवाइड कर दिए तो ये आया आंसर 30। इसी तरह 13 को डिवाइड करना 0.13 से, तो अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिए 13 अपॉन 0.13, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से नीचे भी 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिजिट है इसलिए देखिए 20, 1 डिजिट रहता पॉइंट के बाद तो 10 वाला नंबर, 2 डिजिट है तो 100 से कर दिए, तो ये हो गया 1300 अपॉन 13, पॉइंट 2 डिजिट राइट चला गया। अब 13 से डिवाइड कर दीजिए, 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस पर भी बेस्ट एक एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल नंबर। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसे डेसिमल नंबर में हमको चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कन्वर्ट 4/5 इंटू ए डेसिमल नंबर, तो 4/5 ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे हम। देखिए अब यहाँ तो डिवीजन सम के थ्रू समझा दिया गया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 4 में डिवाइड करना है 5 से, तो सबसे पहले 0 टाइम्स ले गए, 4 आ गया, 5 0 जा 0 माइनस किए तो 4 आ गया। ठीक, उसके बाद अब 4 में तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही हमको पावर मिल गया एक 0 बढ़ाने का इसके आगे 4 के, अब 4 के आगे हम 0 बढ़ा दिए, अब 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, 5 8 जा 40, आंसर आ गया 0.8। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखिए। देखिए इस एग्जांपल में 8 को 8 अपॉन 25 दिया हुआ है फ्रैक्शन, इससे अब डिवाइड डेसिमल में चेंज करना है, तो 8 को डिवाइड करना है 25 से, 8 तो डिवाइड होगा नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही हमको पावर मिल गई 0 बढ़ाने की, 10 बढ़ा दिए, अब 25 3 जा 75, 80 हो गया, तो 75 माइनस करें बचा 5, पॉइंट से हम फिर 0 बढ़ा लिए, पॉइंट से हम तब तक 0 ऐड कर सकते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तो अब 50 हो गया, 25 2 जा 50, सिंपली हमारा काम बन गया, आंसर आ गया 0.32।
अब यहाँ मिक्स नंबर देखिए दिया हुआ है 4 होल 3/8, तो इसे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना आपको हम सिखा चुके हैं फ्रैक्शन में। जिन लोगों को अभी प्रॉब्लम होती है मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में बदलने में, वो मेरे चैनल पे फ्रैक्शन वाला वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो इसे चेंज कर लेते हैं, 4 8 4 जा 32 + 3 35/8। अब 35 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, माइनस किए 3 बचा, 3 तो कटेगा नहीं 8 से, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 8 3 जा 24, 6 बचा, पॉइंट की वजह से फिर एक 0 ऐड कर लिए, 8 7 जा 56 हो गया, माइनस किए 4 बचा, फिर पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड किए, 8 5 जा 40 क्रॉस कर दिए, देख रहे रिमाइंडर 0 हो गया। तब तक ये 0 ऐड करते हम चले जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, इस तरह वाले क्वेश्चंस में जिसमें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में करके डिवाइड कर रहे हैं या डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है कि नहीं। ये देखिए एक एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी मिक्स नंबर दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे, उसके बाद जैसे अभी बताया मैंने उसी तरह डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, परेशान नहीं होना है अगर नहीं आ रहा है तो। मैं इनके सॉल्यूशंस भी जल्दी ही बनाऊंगा उसका वीडियो, आप जिन जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वहाँ से उसको देखकर समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेसिमल की डिवीजन की, ये आपको पहले से पता है कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट वही नंबर आता है। देखिए 1 से डिवाइड किए तो रिजल्ट वही नंबर आया। यहाँ किसी भी नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट वो नंबर आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, आंसर 0। देखिए यहाँ इस नंबर से डिवाइड किया गया 0 को तो भी रिजल्ट 0, इस नंबर से डिवाइड किया गया तो भी रिजल्ट 0 आया। ठीक, एक और प्रॉपर्टी है, अगर खुद के नंबर से खुद को डिवाइड करें, जैसे देखिए 0.3 को 0.3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आया, 1 आया। खुद से खुद को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सेम नंबर से सेम नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ 1 से डिवाइड किया जा रहा तो वही रिजल्ट आएगा, आंसर 1 आया, यानी इसी नंबर से इसको डिवाइड किया गया होगा। सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आया, 1 आया है रिजल्ट, यानी सेम नंबर से इसको डिवाइड किया गया होगा। 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट वही नंबर आ जाता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं।